Now what happens? For is suddenly smooth. See, underneath the starred and leafy sky means the dog, it was busy grazing the grass as the dog was hungry, and the dog was under the starred and leafy sky. Leafy kyun bola gaya? Forest tha, bahut sare ped paude the, leaf the, to is wajah se bola gaya. Now for he suddenly smoothed the door even louder and lifted his head. Tell them I came and no one answered, that I kept my word. Now see again, what did the traveler do? Suddenly he lifted his head and again he started banging the door, knocking the door very loudly. Okay, but nobody answered. जो जोर से वो knock करने लगा किसी ने जवाब नहीं दिया, और traveler ने जोर से बोला भी कि tell them I came. Okay, उसने ये message भी डाला कि भाई बोलो मैं आया हूँ, एंड आई कैप्ट माई वर्ड, वर्ड इज़ माई प्रॉमिस. अब ट्रेवलर को ये लगा कि वो शायद यहाँ पर आया है, क्यों? क्योंकि पास्ट में ही माइट हैव मेड अ प्रॉमिस टू समबडी हु लिव्ड इन दैट हाउस दैट वन डे श्योरली ही वुड कम टू हिज हाउस. तो वो इस वजह से यहाँ पर आया है. तो वो कहता है कि भाई उनको बोलो जो रहते थे कि मैंने उनको प्रॉमिस करा था. मे बी इन द पास्ट ऐसा उसको फील होता है कि मे बी इन द पास्ट आई माइट हैव प्रॉमिस टू द पीपल हु वर लिविंग हियर इन द पास्ट. तो उनको वो मैसेज सेंड करता है कि ऑफकोर्स आई कैप्ट माई प्रॉमिस, सी आई हैव फुलफिल्ड माई प्रॉमिस एंड आई हैव कम. नेवर द लीस्ट टीयर मेड द लिसनर्स. ओके, ऑन हियरिंग दिस द फैंटम लिसनर्स, यू नो, दे डिड नॉट स्टीयर मीन्स नो मूवमेंट्स वर मेड बाय देम, दो एवरी वर्ड ही स्पेक फेल एकोइंग थ्रू द शेडोइनेस ऑफ द स्टिल हाउस फ्रॉम द वन मैन लेफ्ट अवे. नाउ सी, every word that he was speaking, it was echoing. Echoing means it was sounding in the still atmosphere, in the still house, and those words, they were coming from the mouth of the man who was awakened. Means it was the words spoken by the living person. समझ में आया? जो ट्रेवलर्स के वर्ड्स थे पूरे वाइब्रेट हो रहे थे थ्रू द डार्क एम्प्टी हाउस, एंड दोज वर्ड्स दे वर कमिंग फ्रॉम द ओनली लिविंग पर्सन अराउंड. लिविंग पर्सन कौन था? ट्रेवलर था.